परमाणु युद्ध ईरान मरेगा या मारेगा। नमस्कार, आप बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जिसका डर था लगता है अब वही होने जा रहा है। इजराइल ईरान के परमाणु अड्डों पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। वहीं रूस और चीन ने ईरान की पीठ पर हाथ रख दिया है। अब ऐसे में खौफ ये पैदा हो गया है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच परमाणु जंग होने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। परमाणु युद्ध, ईरान मरेगा या फिर मारेगा। अगर इजराइल ने धोखे से भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ये तय मानिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान के टॉप जनरल इजराइल पर सीधा हमला पलक झपकते ही कर देंगे। ईरान के बंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इजराइल को विनाश करने के लिए काफी है। शायद यही वजह है कि अब इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि ईरान के परमाणु हमलों से बचा जा सके। जरा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इजराइल ईरान के किन परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के फोर्डो और नटाजन परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमला करने जा रहा है। खबरों में दावा किया गया है कि इजराइल अपने लड़ाकू विमान F-35A और F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है। 80 मीटर गहराई में मौजूद ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि 1200 किलोमीटर दूर मौजूद फोर्डो परमाणु ठिकाने को अगर इजराइल के F-35A और F-15EX लड़ाकू विमान तबाह कर देते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। ऐसा नहीं है कि इजराइल के हमले का दावा खोखला है, क्योंकि इस वक्त इजराइल के फाइटर जेट ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। F-35A और F-15EX लड़ाकू एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इजराइल से ईरान के बीच औसत 1500 किलोमीटर दूर पर बम गिराना है। हमले से जुड़ी इस खबर की पुष्टि एक और खबर भी कर रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल दहला देने वाला है। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने मीडिया को बताया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमले का खतरा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ईरान ने अपने कई परमाणु ठिकानों को बंद कर दिया है। राफेल ग्रॉसी के मुताबिक IAEA के अधिकारी ईरान के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण नहीं कर सकते जिनकी जांच रोज होती थी। ईरान ने इजरायली खतरे को देखते हुए परमाणु साइटें बंद कर दी। Our inspectors in Iran were informed by the Iranian government that on the yesterday all the nuclear facilities that we are inspecting every day would remain closed on security considerations. परमाणु युद्ध, ईरान मरेगा या फिर मारेगा। ईरान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ईरान को भी कहीं ना कहीं रूस से जबरदस्त मदद मिल रही है। इस वक्त ईरान दुनिया में आत्मघाती ड्रोन बनाने में काफी आगे निकल चुका है। उसके पास हजारों की तादाद में बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिसमें से कई परमाणु बम से बहुत कम वक्त में लैस हो सकती है। इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर हमला करना इजराइल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है। सबसे पहली बार ईरानी परमाणु फैसिलिटी बिखरी हुई है और उनमें से कई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी बात यह कि इजराइल से ईरान के परमाणु स्थलों तक सीधी उड़ान के लिए भी हवा में ईंधन भरने या ईंधन भरने के लिए लैंड करने की आवश्यकता होगी। ईरान और इजराइल के बीच जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब स्थित है, जिनमें से कोई भी इजरायली लड़ाकू विमान को ना तो लैंडिंग की इजाजत देंगे और ना ही अपने आसमान से उड़ान भरने की मंजूरी देगा। तीसरा यह
कि इजराइल से ईरान के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है, जहां पर इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए परमाणु ठिकानों पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा। اما چنانچه رژیم اسرائیل دست از پا خطا بکنه، این بار پاسخ ایران همونطوری که نیروهای مسلح اعلام کردن حداقلی نخواهد بود، بلکه فوری و شدید خواهد. ادھر اسرائیل کے پی ایم بنیامین نتنیاہو فائٹر جیٹ ایف 15 بیس کا دورہ کر چکے ہیں۔ نتنیاہو بھلے ہی ایران کو تباہی کی دھمکیاں دے، لیکن جو حالات اس وقت چل رہے ہیں وہ بے حد خطرناک ہیں۔ जरा देखिए ईरान क्यों कह रहा है, अभी तो ट्रेलर देखा है, युद्ध तो होना अभी बाकी है। ईरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्त भरोसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इजराइल के बीच चल रही जंग से दूर हो जाओ। जरा देखिए कैसी है ईरान की हवाई हमले की ताकत। ईरान के पास 9 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर इजराइल पर हमला बोल सकती हैं। इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेज। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमीटर दूर हमला कर सकती है, तो वहीं खीबर मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हज कासेम की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावर से लैस है, इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ईरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडल ईस्ट क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान आत्मघाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। ईरान के पास मुहाजर 10 नाम का घातक ड्रोन है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, तो वहीं मुहाजर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जा सकता है। अब सवाल उठता है कि ईरान ऐसे हालत में क्या कर सकता है और क्या वाकई में ईरान के पास ऐसे परमाणु बम हैं जो इजराइल को तबाह कर सकते हैं। जरा देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ईरान की परमाणु क्षमता पर क्या दावा करता है। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे में अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पूरा पश्चिम एशिया परमाणु भट्टी में भस्म हो जाएगा। और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे, ईरान और इजराइल का तनाव महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है। युद्ध के खतरे के बीच दुनिया दो कैंप में बंट गई है। ईरान बड़े हमले के डर से इस्लामिक देशों से समर्थन मांग रहा है और इस बीच ईरान इजराइल वॉर में पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या ईरान पाकिस्तान से एटम बम वाला कोई वादा चाहता है। देख रहे ईरान इजराइल से युद्ध के लिए अब इस्लामिक देशों से समर्थन मांग रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब उसे शायद इजराइल का डर सता रहा है। खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति के पाकिस्तान जाने की तारीख मुकर्रर हो चुकी है और वो तारीख है 22 अप्रैल। ये खबर सुनकर ही पाकिस्तानी हुक्मरान गदगद हैं। उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान के कटोरे में रहम की कुछ भी खाने वाली है। सवाल है कि अब ईरान पर इजराइल के बड़े जवाबी हमले के खतरे को देखते हुए इब्राहिम रईसी अचानक देश छोड़कर बाहर क्यों जाएंगे, वो भी पाकिस्तान। ईरान के राष्ट्रपति के इस दौरे का एजेंडा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बताया जा रहा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि असली राज कुछ और है। पहला सवाल ये कि 2009 से लटके पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर ईरान अचानक इतना एक्टिव क्यों हो गया। दूसरा सवाल यह है कि दोनों ही देशों के इजराइल से राजनयिक संबंध नहीं है और पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है, उसके पास एटम बम है। क्या ईरान पाकिस्तान से एटम बम वाला कोई वादा चाहता है।
इसराइल लगातार ईरान के परमाणु प्लांट समेत बड़े ठिकानों को तबाह करने की धमकी देता आया है। ऐसे में इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान की तरफ रुख करना बड़े सवाल पैदा कर रहा है। ये पहली बार होगा कि ईरान के राष्ट्रपति जनवरी में पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस्लामाबाद में उतरेंगे। पाकिस्तान में किए गए हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। दोनों के रिश्तों में खटास आई, लेकिन एक बार सब लाइन पर आ चुका है। लेकिन क्या इसराइल के खिलाफ टक्कर में ईरान पाकिस्तान से कोई उम्मीद लगा सकता है? इस वक्त ईरान अपने लिए दोस्त जुटा रहा है, इसलिए देखिए कौन है इसराइल के कैंप में और कौन है ईरान के कैंप में। ईरान ने जब से सीरिया में अपने वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले का जवाब दिया है, पूरा पश्चिम एशिया सुलग रहा है। गाजा की आग भी लगातार जल रही है, लेकिन अब पूरी दुनिया का फोकस ईरान और इजरायल है। इजरायल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन के हमले के बाद ईरान को भी यकीन है कि इजरायल हमला जरूर करेगा, और पूरी दुनिया जानती है कि अपने दुश्मन को इजरायल तब तक मारता है जब तक वो पूरी तरह तबाह नहीं हो जाता। माफी शब्द इसराइल की डिक्शनरी में ही नहीं। डिफरेंट ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, दे've बीन प्रेजेंटेड टू द वॉर कैबिनेट, दे've बीन डिस्कस्ड, एंड एज आई हैव सेड, द मोमेंट द रिटेलिएशन विल कम, इट विल बी क्वाइट क्लियर टू द इरानियंस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इसराइल will continue defending itself whenever necessary from whatever aggressor will be facing. ईरान को उम्मीद है कि पश्चिम एशिया के इस्लामिक मुल्क कम से कम इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे और इस युद्ध में उसका साथ देंगे, लेकिन ईरान के प्लान में पलीता लगाने का काम किया जॉर्डन ने। जब इजराइल पर ईरान मिसाइल और ड्रोनों के जरिए हमला कर रहा था, उस वक्त सिर्फ इजरायली नहीं, जॉर्डन के हथियार भी ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को धुआं धुआं कर रहे थे। जॉर्डन ने ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को खत्म करने के लिए अपने फाइटर जेट उतार दिए। जॉर्डन की तरफ से जारी बयान में कहा गया, अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने हवाई क्षेत्र में उड़ने वाली वस्तुओं को रोका गया। कुछ टुकड़े कई स्थानों पर गिरे, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं हुआ, किसी नागरिक को चोट नहीं आई है। ईरान और इजरायल के बीच जॉर्डन है, इसलिए जब ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल जॉर्डन के आसमान से होकर गुजरे। जॉर्डन पहले ही चौकन्ना हो चुका था और फिर उसने अपने विमानों से बहुत से ड्रोन मार गिराए, जबकि ईरान की कई मिसाइलों को अपने एयर डिफेंस से उड़ा दिया। बहुत सी मिसाइलों और ड्रोन का मलबा जॉर्डन की जमीन पर भी गिरा है। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में सैन्य कार्यवाही पर चिंता जताई और युद्ध के खतरों को रोकने के लिए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। यानी सऊदी अरब का रुख इजरायल ईरान युद्ध को लेकर न्यूट्रल है। अमेरिका पर इस वक्त सबकी नजर है और अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया के हालात पर नजर बनाए हुए है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान से बात की। तुर्की और इसराइल में 1949 से ही राजनयिक संबंध हैं। तुर्की इसराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने शनिवार रात इजरायली प्रधानमंत्री बेनमिन नेतन्याहू को फोन पर बताया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इसराइल के किसी भी जवाबी कार्रवाई में ना तो भाग लेगा और ना ही उसका समर्थन करेगा। यानी अमेरिका हर हाल में यह चाहता है कि इसराइल ईरान के साथ युद्ध में ना फंसे, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी है कि इसराइल जब युद्ध में फंस जाएगा तो अमेरिका को खुलकर मैदान में उतरना ही पड़ेगा।
स्पेशल रिपोर्ट में अभी आपको और दिखाएंगे, लेकिन रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18।